शहनाई में उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में ये धरती अन्न की जननी है कुछ और नहीं इससे पैदा कर खेतों में सीप के बीज डाल मोती के दाने पैदा कर खेतों को हरे एक झूनर दे सो रंग दे फसल के फूलों को सरकार क्या मदद कर रही है? अरे भाभी, हमारे गांव में जो सोलर वाटर पंप लगने वाला है ना, सुलेमान चाचा और बालम भैया का, उसमें सरकार उन्हें 90% की मदद कर रही है। तुम जिसे चाहती हो तुम्हारी शादी उसी से होगी, चाहे तो लिख के रख लो। लेकिन कैसे? ये तुम मुझ पे छोड़। ओके मॉम। ये कैसे मुमकिन है? क्या करने वाली हो तुम? बस आप देखते जाइए। वो कहते हैं ना, तेल देख तेल की धार देख। बस तुम आओ बेटा। जब देखो तब इसकी। आयशा जी, इसकी बात देख लीजिएगा। आइए मॉम, आइए डैड। नाइस स्कीम देखोगी, बंद करो, आराम करो। ये मेरी मम्मी और डैडी हैं, आपसे मिलना चाहते थे। मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस जगदीश राज की बेटी हो। आई एम जगदीश राज, नाइस टू मीट यू। कमाल करते हैं आप ही, हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। होने वाले समधि हैं, गले मिलिए गले। गले मिलिए। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक मिनट, क्या चल रही है? क्या चल रहा है ये ड्रामा? हाँ, तो ये हम लोग आपके समधि कैसे हो गए? वाह, क्या बात। मनी मन में आप लोगों ने हमसे रिश्ता भी बना लिया, वो भी हमसे बिना पूछे समधी आने की बात करने लगे। अरे क्या बात कर रही हैं आप? आपको पता नहीं है क्या, आपका बेटा अजय मेरी बेटी डिम्पी को चाहता है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अजय को बुला लीजिए। बुलाइए उसे। अच्छा, एक तो बिन बुलाए हमारे घर पे आ पाती। और माफ कीजिए, फिलहाल अजय तो घर पे है नहीं। और हाँ, मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मनीषा जी, हमें पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस आपको देखने चले आए और आपने तो हमारा ही अपमान कर दिया। अच्छा, तो आप हमारी तबीयत पूछने आए? तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये जो आपकी बेटी है ना डिम्पी, से जब पहली बार हमने देखा था तभी
हमने अपने बेटे से कह दिया था कि इस लड़की के साथ कोई संबंध ना रखे। और हाँ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए कि आप लोग यहां से जा सकते हैं, और हाँ, आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले सोच लीजिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे बस कर दीजिए, बिना अपने बेटे से पूरी सच्चाई जाने हुए आप इतनी सारी बातें हमें सुनाई जा रही हैं। पहले अपने बेटे से पूछ तो लीजिए कि हकीकत है क्या। फेंको ये सब। आपने आज हमारी ये जो बेइज्जती की है ना, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। दोबारा इस घर में कदम रखने से पहले सोच लेना। आउट। अच्छा किया ना? 100% सही किया तुमने। 100% तुमने डिम्पी और उसके माँ बाप के साथ ना सख्त बर्ताव किया था। आपको बुरा लगा? ए, मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो कोई मेरे दोस्त या रिश्तेदार थोड़ी हैं। ऐसा सोचना भी मत। क्यों? क्यों नहीं सोच सकती? समझने की कोशिश करो, उन लोगों की गांव में बहुत इज्जत है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जनाब यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं और मैं आपको रूम में ढूंढ के आ रही हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है ना आपको? क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कल जो मेहमान हमारे घर आए थे उनकी तबीयत तुमने बिगाड़ कर रख दी। तुमने उन्हें ऐसे डांटा कि दोबारा बेचारे वो हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। अरविंद जी, वो मेहमान नहीं थे, घुसपैठिए थे जो बिना बुलाए आ गए थे। हाँ, सो तो है, लेकिन 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 क्या? जहाँ पर सब बात सही हो ना, वहाँ पे लेकिन की गुंजाइश नहीं होती है। और मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया। आपको याद है ना, जब डिम्पी पहली बार हमारे अजय के सालगिरह में आई थी, उस दिन से ही मुझे वो पसंद नहीं थी। हमारे अजय को सबके सामने कैसे देखी जा रही थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये चीज तो दामनी और सविता ने भी नोटिस कर लिया था। अरे बेशर्मी की हद होती है, मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। और उसका बाप जगदीश राज, वो तो अपनी बेटी से 10 कदम आगे, और किसानों के लिए तो उसके दिल में जरा भी हमदर्दी ही नहीं। ये सब बातें तो मैं भी नोटिस कर रहा था। मुझे याद है तुम्हें इस ख्याल से भी चिंता हो रही थी कि अजय का डिम्पी से ब्याह करने का इरादा है, इसीलिए वो उसे हमारे घर में लेके हमसे मिलवाने आया था।
लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मनीषा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कल तुमने डिम्पी और उसके माँ बाप के साथ ना सख्त बर्ताव किया था। क्यों? मैंने उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया, इसलिए आपको बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो कोई मेरे दोस्त या रिश्तेदार थोड़ी है। तो फिर निशा, मुझे तुम्हारे सेहत की चिंता हो रही है। अगर तुम इस तरह से गुस्सा करोगी तो तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है फिर से बढ़ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं भी कुछ काम कर लेता। अरविंद जी, बस पांच मिनट में आपसे बातें कर लूं, फिर मैं जाके सो जाऊंगी। लो, अब कौन सी बात रह गई करने की? अरविंद जी, हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं ना, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी हैं और सुशील भी। अचानक ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? अरविंद जी, अचानक ये ख्याल नहीं आया मेरे मन में, ये ख्याल तो मेरे मन में हमेशा से है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। अब देखिए ना, अजय को मैंने डिम्पी से मिलने के लिए मना किया था, वो मान गया। अजय को मैंने कहा था कि दिल्ली छोड़कर के गांव में शिफ्ट हो जाए, वो भी मान गया। अब कल की ही बात ले लीजिए, मैंने अजय और प्रिया को कहा कि दामिनी के साथ वो माधव के घर चली जाए और वहां जाके उसे कुछ पैसे और अनाज दे आए, उसने वो भी कर दिया। और तो और, जो सुलेमान और माधव को 10% सोलर वाटर पंप के लिए पैसे जमा करने थे, हमारे अजय ने वो भी कर दिया ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं ना, कितने संस्कारी, हमारे बच्चों ने सब कुछ संभाल लिया। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन फिलहाल तुम जाके आराम करो। अब अरविंद जी, पांच मिनट और दे दीजिए, फिर मैं जाके सो जाऊंगी। आपकी बातें कभी 5 मिनट में खत्म होती है मैडम मनीषा? मेरे मन कल से ये बार बार ख्याल आ रहा है कि यहाँ से जाने के बाद डिम्पी के घर में कल कितना कोहराम मच गया होगा ना। अब ये नया टॉपिक शुरू हो गया, कुछ लंच के लिए भी रहने दो ना, हम बात करेंगे इस पे। जाओ आराम करो, जाओ, बात करेंगे उस। ओके बाबा, जा रही हूँ। क्या कर दिया तुमने, ब्रेक क्यों पटक रही हो? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे, ऐसी हैरत से क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें पता है अजय के मम्मी पापा ने मेरी जो बेइज्जती की है उसे मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती। तो पता भी है मैं पूरी रात नहीं सो पाई, बस यही सोचती रही कि कैसे उनसे अपने अपमान का बदला ले सकती। ऐसा सोचना भी मत। क्यों, क्यों नहीं सोच सकती? समझने की कोशिश करो, उन लोगों की गाँव में बहुत इज्जत है। अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो किसान भाई बहन मेरे खिलाफ हो जाएंगे और जो एक दो डील होनी है वो भी नहीं होगी। किसान, अब किसान भाई बहन ही हमें जीत दिलाएंगे। वो कैसे? अगर हम किसान बहन भाइयों को मनीषा और अरविंद के खिलाफ भड़का दें तो हमारा काम बन सकता है। और वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशान। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? जो रोज तुम नोटों से तिजोरी भरती हो ना, मैं कोई चंदा मांग के नहीं लाता। मैं इसके लिए कितने किसान भाई बहनों को मजबूर करता हूँ अपनी जमीन बेचने के लिए, वो लोग कभी मेरा साथ नहीं देंगे। जमीन से गिर के उठना आसान है मगर अपनी नजरों से गिर के उठना बहुत मुश्किल। मुश्किल ही है ना, असंभव तो नहीं। इसके लिए बस हमें किसान बहन भाइयों का हिमायती बनना। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत से किसान भाई बहनों के सोलर पंप आ चुके हैं और उनके खाते में पैसे भी जमा हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी जमीन है, अगर हम इस जमीन पर ज्यादा फसल उगाकर किसान बहन भाइयों को दिखा दे तो
वो अपने आप हमारे पास चले आएंगे। वाह सही कहा तुमने, मैं बैल बन जाऊंगा और तुम हल जोतना। वैसे तो हम ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं और उसके लिए बैल बनने की भी कोई जरूरत नहीं। बात तो ये है कि मैं आपको कोई भी आइडिया दे दूं आपको पसंद नहीं। खैर ये चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। मनीषा दीदी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है, तो हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर, मैं भी तो यही सोच रही थी। जिंदा हूँ सही सलामत, वरना कोई कसर नहीं छोड़ा है तुम्हारी मम्मा ने मेरे मम्मी डैडी का अपमान करने में। क्या मेरी मम्मा ने तुम सबको अपमानित किया? जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आपका टिफिन, बैठो ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? बसंती, आज बहुत दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुशी की बात ही है, अरविंद जी और मनीषा दीदी ने सोलर वाटर पंप का 10% जमा करके हमें नई जिंदगी दे दी है और जल्दी ही गांव में सोलर वाटर पंप लग जाएगा तो हमारे दुखों का अंत भी हो जाएगा। हाँ, जब बैंक आसान किश्तों पे लोन दे रहा है तो हमें किसी और से लोन लेने की क्या जरूरत है ना? सही कह रहे हैं आप, सोलर वाटर पंप लगते ही हमें किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा और धीरे धीरे हम बैंक का लोन और हुकुम सिंह का कर्जा भी चुका देंगे। एक बात ना मेरे दिल में है, देखो मनीषा दीदी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है, कितना सारा सामान भेजा है, तो हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर, मैं भी तो यही सोच रही थी। अच्छा तो बसंती एक काम करना, जब मैं खेत से लौट के आऊंगा ना तो तैयार रहना, आज हम लोग मनीषा दीदी के घर जाएंगे मिलने के लिए। ठीक। लीजिए। डिंपी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, बहुत बुरी मॉर्निंग है मेरी। री मॉर्निंग क्या बोले जा रही सुबह सुबह? तुम ठीक तो हो? जिंदा हूँ सही सलामत, वरना कोई कसर नहीं छोड़ा है तुम्हारी मम्मा ने मेरे मम्मी डैडी का अपमान करने में। क्या मेरी मम्मा ने तुम सबको अपमानित किया? यार ये क्या बोले जा रही हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कुछ। समझ में नहीं आ रहा है तो जाके अपनी मम्मा से पूछ लो, वो तुम्हें डिटेल में समझा देंगी। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी मम्मा ने मेरे घर आकर मेरे मम्मी डैडी से और मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और कभी शक्ल नहीं देखूंगी तुम्हारी। हेलो 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 डिंपी,
क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अजय, तुम जग गए? हाँ मम्मा। प्रिया को जगा दो, नाश्ता रेडी है। तुम यहीं पे अभी तक गए नहीं? ओफो, नाश्ता में लेट हो रहा है, जाओ। मम्मा, कल शाम को डिंपी और उसके मम्मी पापा आए थे क्या अपने घर? फ्रिज में दही रखा है, उसे डाइनिंग टेबल पे रखो। मम्मा, मैं आपसे वो कह रहा था कि मम्मा, मम्मा, अजय, जग और गिलास ला के रखो। मम्मा, मैं आपसे पूछ रहा था कि मम्मा, ये क्या है? नाश्ता में? मैं बार बार आपसे कुछ पूछ रहा हूँ और आप मुझे इग्नोर किए जा रहे। मैं आपके सारे काम कर दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल शाम को क्या हुआ था? कल शाम को जो हुआ था मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं। मैं कुछ समझा नहीं, ऐसी कौन सी बात थी जिसको बताने में आपको मुश्किल हो रही थी? कल शाम डिंपी और उसके पेरेंट्स आए थे। आपको पता नहीं है क्या, आपका बेटा अजय मेरी बेटी डिंपी को चाहता है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अजय को बुला लीजिए। मेहरबानी करके आप लोग यहां से जा सकते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या इस तरह से मेरे घर में उनका आना जायज था? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन घर आया मेहमान भगवान जैसा होता है, ये बात तो आपने ही बताया था ना मुझे। लेकिन अजय, बिन बुलाए नहीं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम जगदीश राज या उसकी बेटी के साथ कोई भी संबंध रखो। यू नो ना, जगदीश राज इज लैंड माफिया। आज हमारे गांव में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, सब जगदीश राज की वजह से। बेटा, आज हमारे गांव के किसान बहन भाई गांव से पलायन कर रहे हैं, सब उसकी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अजय कि तुम डिम्पी या उसके पेरेंट्स के साथ कोई भी संबंध मत रखो। And I hope कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। अरे काम में थोड़ा बिजी इतना हो गया था तो टाइम का पता ही नहीं चला। बस बस अभी आता हूँ लाइव, अभी अभी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, शस्त्रीकाल, आधार, बच्चों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आपका अपना प्यारा दुलारा साजन कुमार गंगापुर वाला। मैं अपने किसान बहन और भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि कुसुम योजना से आपके खेतों की सिंचाई की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, साथ में बिजली की जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी।
वर्षों से हम उन्हें धूल से भरा हुआ आईना दिखाते आ रहे हैं। है? एक परिवार आता है और आईना साफ कर देता है और उन्हें अपने सुनहरे भविष्य दिखाई देने लगते हैं। भाई नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। जननी है कुछ और नई से पैदा कर।